दोस्तों बीसीसीआई ने लॉन्च कर दिया है इंडियन प्लेयर के सैलरी का पूरा लिस्ट, और हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि वो कौन से इंडियन खिलाड़ी हैं जो कि जिस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, और वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि अब लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अगर बात करें हम, जो कि बीसीसीआई हर साल 2 साल के लिए प्लेयर्स की लिस्ट बनाती है, और अगर जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता तो उन्हें इस ग्रेड से बाहर कर दिया जाता है। और आज हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि वो कौन से 4 ग्रेड के हिसाब से प्लेयर्स को बांटा जाता है। तो दोस्तों फुल डिटेल वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और हम बात करें इंडियन प्लेयर के अगर सैलरी की लिस्ट की, तो 4 ग्रेड के हिसाब से इंडियन प्लेयर को बांटा जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें ग्रेड ए प्लस की, तो उसमें 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। जो जो खिलाड़ी ग्रेड ए प्लस में रहते हैं उन्हें 7 करोड़ रुपए मिलते हैं बीसीसीआई की तरफ से सालाना इनकम। और बात करें ग्रेड ए में, तो ग्रेड ए में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं प्लेयर्स को सालाना इनकम बीसीसीआई की तरफ से। और ग्रेड बी में जो खिलाड़ी रहते हैं उन्हें 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, और ग्रेड सी में जो रहते हैं उन्हें हर साल मिलता है 1 करोड़ रुपए बीसीसीआई की तरफ से। तो इन 4 ग्रेड के हिसाब से प्लेयर्स को हर साल बांटा जाता है 2 साल के लिए। तो अगर बीसीसीआई ने भी हाल ही में कुछ दिन पहले ही ये ग्रेड अभी लाया है, तो अगर दोस्तों हम बात करें वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि ग्रेड ए प्लस में 7 करोड़ रुपए के लिए हैं, तो दोस्तों इस बार रहने वाले हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ये 3 खिलाड़ी दोस्तों इस बार रहने वाले हैं ग्रेड ए प्लस में, और इन्हें बीसीसीआई की तरफ से सालाना इनकम मिलने वाला है 7 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर बात करें हम ग्रेड ए में जो कि 5 करोड़ रुपए है, और उन प्लेयर्स के अगर नाम बताएं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इस बार 5 करोड़ के लिस्ट में है, तो दोस्तों रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, ईशान शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, एमएस धोनी और मोहम्मद शमी। ये 11 खिलाड़ी दोस्तों रहने वाले हैं इस बार ग्रेड ए में, और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ग्रेड ए प्लस से अब होके ग्रेड ए में आ गए हैं। अगर दोस्तों हम क्रिकेटर्स की बात करें, तो पिछले बार बीसीसीआई ने भुवनेश्वर कुमार, शिखर धवन और एमएस धोनी को रखा था ग्रेड ए प्लस में, और उन्हें सालाना मिलता था 7 करोड़ रुपए, लेकिन इस बार उनकी घटौती हो गई है और ये आ गए हैं ग्रेड ए में, और इन्हें बीसीसीआई की तरफ से 5 करोड़ रुपए मिलने वाला है। और अगर बात करें एमएस धोनी की, तो एमएस धोनी को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अगर हम बात करें अगर हम इस ग्रेड के अनुसार। तो दोस्तों अगर बात करें हम ग्रेड बी की अब, तो ग्रेड बी में जो खिलाड़ी रहने वाले हैं उन्हें मिलने वाला है 3 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जो 3 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं उनका नाम है केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, उमेश यादव और युजवेंद्र चहल। ये 4 खिलाड़ी रहने वाले हैं दोस्तों ग्रेड बी में, और इन्हें मिलने वाला है बीसीसीआई की तरफ से पूरे 3 करोड़ रुपए पूरे सालाना इनकम। तो दोस्तों अगर बात करें हम ग्रेड सी की, जो कि 1 करोड़ रुपए है, और अगर इसमें बात करें वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो रहने वाले हैं अंबाती रायदू, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, मनीष पांडे, हनुमा बिहारी, रिद्धिमान साहा और खलील अहमद। ये रहने वाले हैं दोस्तों ग्रेड सी में, और इन्हें मिलेगा 1-1 करोड़ रुपए। और इस बार जो कि ग्रेड बी से अब हट के ग्रेड सी में आ गए हैं, उनका नाम है दोस्तों केदार जाधव और दिनेश कार्तिक। ये आ गए हैं अब दोस्तों ग्रेड सी में नहीं, तो ये अगर बात करें पिछले बार जब बीसीसीआई ने लॉन्च किया था तो ये खिलाड़ी थे ग्रेड बी में, लेकिन इस बार इनके ग्रेड में अब हुई है घटौती, और इस हिसाब से अब इन्हें मिलेगा 1 करोड़ रुपए, और इन खिलाड़ियों को भी 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहने वाली है सभी खिलाड़ियों की ग्रेड की इनकम, और बीसीसीआई ने इसे लॉन्च किया है अपने सोशल हैंडल पे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट हमारे ही चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ वीडियो खत्म।